हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चार का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। 9 सप्ताह बराबर 63 दिन, 1/2 मीटर बराबर है 50 सेंटीमीटर, 28 पैर मतलब कितनी बिल्लियां? 7 बिल्लियां। संख्या 715 का बीजा अंक 4 होगा। 63 × 12 756। सही जोड़ी। कुतुब मीनार की लंबाई 72 मीटर, 100, 110, 120 शून्यांत संख्या है, 3 हफ्ते 21 दिन। ये पीएम होगा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हल कीजिए। 332 + 181 513, इसमें इसको घटाएंगे तो 82। एक बक्से में 24 बोतलें हैं, 3 बक्सों में कुल कितनी बोतलें? तो 24 में 3 का गुणा कर देंगे, 24 × 2 = 48, 24 × 3 = 72 आंसर हो जाएगा। एक वृत्त बनाकर केंद्र दर्शाना है। खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं, वे बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं, हर कतार में कितने बच्चे हैं? तो 7 में 161 का भाग कर देंगे। तुम्हारा वजन 36 किलोग्राम है, तुम्हारे मित्र का 32 है, तो दोनों का वजन मिलाकर कितना हुआ? 36 और 32 को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। कक्षा में 32 बच्चे, 1/2 लड़कियां, तो लड़के कितने का है? 16, इसमें 2 का भाग कर देंगे। ऐसी संख्या लिखिए जो 2, 3, 5 से विभाजित हो, 25 से 50 के बीच हो। तो बताना है कौन कौन सी है जो 2 से कट जाए, 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। घड़ी का चित्र बनाना है। 3:15 बजना चाहिए और 7:35, 7:35 होने चाहिए। पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ABCDEFGHI JKLMNO 28Z 27Y 26X 25W 24V 23U ये हो जाएगा। एक हॉकी का मैदान 91 मीटर 440 सेंटीमीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी ये बताना। कद्दू के 1/4 हिस्से की कितनी कीमत? 10 रुपये है, तो पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी? तो बताना है कितनी होगी, 40 रुपये। तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने, तो हर टोकरी में कितने टमाटर आएंगे? तो 3 में 72 का भाग कर देंगे, तो 3 × 2 = 6, 1 बचा और 3 × 4 = 12, मतलब कितने कितने एक टोकरी में कितने टमाटर आएंगे? 24 टमाटर आएंगे, 24 एक में, 2 में भी 24, 3 में 24, तो 24 24 24 से 3 टोकरी में टमाटर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 संख्याओं के पहाड़ों का प्रयोग करते हुए 12 का पहाड़ लिखिए। तो हमें क्या करना, पहले एक से लेके दस नौ तक लिखना है, 6, 7, 8, 9 और फिर 2 की दूनियाँ लिख देनी है, 2 × 4 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 और इनको आपस में जोड़ते जाना है, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 और 1 और 2 की दुनिया हम लिखेंगे तो 12 की दुनिया आसानी से बन जाएगी।